ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने यहाँ पे जो है एक लाल मुखिया कबूतर डालीगंज आए हुए तो यहाँ एक लाल मुखिया कबूतर पकड़ा गया। बहुत अच्छी मादा टाइप की है, देखिए इसकी आँख देखिए, रेड आइज़ में कबूतरी है लाल मुखिया। इसके किसी ने गंडे खींचने के अंदर की परिया उखाड़ दी है। बहुत अच्छी कबूतरी है ये भी, परवर भी अच्छे हैं, पंजे भी अच्छे हैं। और एक अभी अभी हम लोग ने यहाँ पे एक नीलदुमी गर्री टाइप की भी कबूतरी पकड़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं। नहीं ये तो घर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये गर्री कबूतरी मैली कुचैली थी एकदम। इसकी आँख देखिए, बहुत अच्छी आँख की कबूतरी है, सफ़ेद पुतली है, लाल डोरों में कबूतरी है, गुलाबी चोंच की। और इसकी ख़ासियत जो हम आपको दिखाते हैं दूसरी आँख में, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दूसरी आँख का जो तिल है, जूम करके देखिए, वो तिल बहा हुआ है, हल्का सा लटका हुआ नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका तिल जो है बिल्कुल नीचे की तरफ गया हुआ है। ये कबूतर बहुत अच्छे कहलाते हैं, तिल बहे कबूतरों में आते हैं और बहुत अच्छी नस्ल कहलाती है। ये देखिए इसकी लाल लाल जौं भी है, हल्के हल्के टोपी पे गुलाबी चोंच है, गुलाबी पलक है। जैसी चोंच का कलर है वैसे ही पलके हैं, वैसे ही आँख की ज़मीन भी है। और अच्छा कबूतर है इसका परपुर्जा देखिए, देखिए पल्ला भी अच्छा लगा हुआ है, पूरा फुल पल्ला है। मैली कुचैली है, किसी की उड़ गई है, हमें लगता है बच्चे बराती हुई मादा है। ये देखिए दूसरा पल्ला देखिए, दुम नीलदुमी है और अच्छी कबूतरी है बहरहाल। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ आए थे, हमने सोचा देखते हैं कि आप दो कबूतर पकड़ ली जाए, दोनों कबूतर। ये देखिए फ्रेंड्स, दो कबूतर पकड़ ली जाए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फी अमानिल्लाह।